हेलो भाई, मैं अरुण पवार। भाई मैं निक्कू का डेकोर पे आज आया हूँ। निक्कू भाई का छोटे भाई हो ना? हाँ जी, शक्ल सी मिलती है आपकी। हाँ जी सर। भाई देखो, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी किया सोनेट लिया, स्टीरियो लगवा लिया बढ़िया वाला, ठीक है ना। अब मुझे दिखाओ, चलाने के लिए स्पीकर भी तो चाहिए, आवाज़ कहाँ से आएगी। इधर लगा हुआ है स्पीकर सारे रहेंगे, जैसे सोनी हो गया, JBL हो गया, फोकल हो गया, सारे स्पीकर लगे हुए हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप देख सकते हो इसमें। यहाँ पे हमारे पास सारे स्पीकर्स अवेलेबल हैं, जैसे आप करोल बाग में डोलते हो। एक मिनट मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ भाई। यहाँ आप देखो कि पूरी गली सारे भाई यहाँ पे दुकान ही दुकान है यहाँ पे टोटली। तो यहाँ इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि स्पीकर्स के मामले में यार क्या डलवाएं, और ब्रांड्स इतने ज्यादा हैं कि बस पूछो मत ना। जैसे सबसे ज्यादा मेरे को लगता है भाई ये वाला चलता है ना, JBL स्टेडियम, ये स्टेडियम सीरीज ये कंपोनेंट है ना। तो JBL का ये कितने की रेंज का है भाई ये स्पीकर? 15,000 की रेंज के स्टेडियम का कंपोनेंट, एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर 15,000 जी। इसकी आवाज तो गजब होगी ना। हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छे लिए एम्पलीफायर वगैरह भी लगाना पड़ेगा आपको। एम्पलीफायर नहीं लगाना यार, मेरे को वही तो दुख होता है, मेरे को एम्पलीफायर नहीं चाहिए, उससे हमिंग नॉइज बनती ही बनती है यार। हाँ, हाँ, उससे क्या रेस वेस देते हैं तो वो पता नहीं कैसे अर्थिंग वर्थिंग पकड़ता है। अच्छा, इसके बाद अगर जैसे मान लो कोई JBL को पसंद नहीं करता, हाँ जी, तो एक फोकल वाला ब्रांड भी है, फोकल का है। ये कैसा ब्रांड है भाई? ये भी बढ़िया है, फोकल का जो अभी चल रहा है। और किसी को लोकल में चाहिए हो? ये सब मिल जाता है बाजार की, JBL का अपना बेसिक रेंज वाला, और जिसी को एम्पलीफायर वगैरह नहीं लगाना ऐसा लगवा सकते हैं। ये भी कंपोनेंट है? हाँ, ये भी कंपोनेंट है। ये कौन सा स्टेज? रेट बता जाओ, हम तो हमेशा रेट के ऊपर होते हैं कि भाई लोगों को अगर वीडियो का टाइम हमको दे रहे हैं, हाँ, प्राइस उनको पता चलना चाहिए। 5,000 का कंपोनेंट JBL का स्टार्ट होता है बेसिक रेंज से। उसका वो लास्ट जो अपना स्टेडियम है वो आता है ये 15 का, 15,000 रुपए। और ये जो हमने बेसिक बताया ये 5,000 रुपए का। ओके, और ये जैसे लोकल मोकल किसी लोकल को लोकल लेते हो तो अपना 2,500-1,500 बहुत स्टार्टिंग तो बहुत सारा है जहाँ तक चल जाओ। और यहाँ तो भाई बहुत मतलब स्पीकर्स की रेंज बहुत ज्यादा है। और ये फोकल का कितने का है? फोकल का जो आप देख रहे हो आपका 14,000 रुपए का एक पेयर कंपोनेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। ये कंपोनेंट स्पीकर भाई कितने भारी है यार, भर्रक है भाई। ने आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। ये कौन सा ब्रांड है? एक्सेलियस का। एक्सीलियस, ये कौन सा? कब कम में आ गया? कुछ भी लॉन्च होता रहता है क्या करोल बाग में? डीडी ऑडियो कितने का है यार? डीडी का जैसे रेड लाइन है, हाँ, रेड लाइन इसका बेसिक रेंज है। इससे ऊपर जाते हो तो अपने पास ये कंपोनेंट इसका आता है जो हैवी है इससे रेड लाइन से, तो इसका कॉस्ट आपको 15,000 रुपया करेगा। हाँ, और इसका अपना 5,000 रुपया कॉस्टिंग करेगा। अब यार मुझे जैसे कुछ नहीं पता, हाँ, मैं आया हूँ आपके पास, अब मैं JBL लगाऊं DD लगाऊं तो आपका हम जो करेंगे जैसे आपका रेंज कितना है हम पता करेंगे, जो आपकी रेंज कितना है। दोनों की 15 ही है? दोनों की 15,000 तो आपका दोनों का परफॉर्मेंस अलग होता है। हाँ। अब जैसे आपको JBL पर जाना, जो आप बोलेंगे जो JBL ब्रांड बढ़िया है तो बहुत बंदे JBL पर जाते हैं। अच्छा। ऐसे हम बोलते हैं DD भी बहुत बढ़िया है, जो DD को बोलते हैं अच्छा है तो DD लगा दो, लगवाते हैं। और ये वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो है वो है भाई ये वाला ब्रांड। ये कितने का है? ये सोनी का ये सीरीज का कंपोनेंट आपको 16,000 रुपए का एक कंपोनेंट सेट आएगा, बस एक। तो यार ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में आजकल ना, ये ज्यादा चलता होगा। हाँ, जब जो JBL का स्टेडियम की जगह, हाँ यही चलता ज्यादा। सोनी यार, सोनी यार, सोनी की होड़ किसी पे हो रही है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे पूरा सब कुछ है। देखो सोनी के एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ये कितने का एम्पलीफायर? एम्पलीफायर 16,000 रुपए का GS4। ओके, और भाई और भी बहुत ब्रांड है, मतलब ग्राउंड जीरो हो गया, ये कितने के हो गए भाई? ग्राउंड जीरो 7,500 रुपए का कंपोनेंट आता है ग्राउंड जीरो, मतलब यार यहाँ पे एल्पाइन के हो गए, इतने सारे आपको ब्लो पंक के टू वे को एक्सेल स्पीकर्स अगर मैं दिखाऊं तो स्पीकर्स की तो इतनी यहाँ पे हमको वाइड रेंज देखने को मिलती है ना, बस पूछो मत। अब यार मैं क्या लगाऊं, मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है यार। अब यहीं पे आके तो आदमी ये सोचता है कि यार मैं सोनी लगवाऊं, JBL लगवाऊं, फोकल लगवाऊं, क्योंकि सबकी रेंज सेम ही है। ये क्या है, ये लगाओ मेरी गाड़ी में, तो ये कैसे होता है? वूफर, वूफर जो होता है ये दरवाजे में पिट कर दो सोनेट की में। नहीं, सोनेट नहीं है तो इसके लिए पेटी बनाया जाता है। ये मोह लगे पूरा दरवाजे लटक जाएगा। नहीं, दरवाजे में नहीं लग सकता ना। ये पेटी वाला स्पीकर है भाई, सोनी एक्सप्रो 1800 वोल्ट। हाँ, तो तगड़ी गुम्मक धम्मक धम्मक कर देते हो। चलो भाई के साथ थोड़ा सा लिटिल लिटिल डिस्कस कर लेता हूँ स्पीकर के मामले में। तो निकू भाई डैम्पिंग का बताओ पहले, स्पीकर तो फाइनल करेंगे बाद में। अभी ये भाई डैम्पिंग का मेन फायदा होता है कि जैसे थैली है, अगर जैसे आपने सेंट्रो लगाते हो तो ये हट गया, इसमें धूल मिट्टी जाके इसका जो मोटर होता है वो तो नहीं खराब होता। उसके बाद जो चदरा है पूरा खाली है, भर जाता है। इसकी जो स्पीकर का मिड रेंज जो होता है ना वो एक जगह से आवाज थोड़ा अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो दरवाजा देखते हो ये जो आवाज आता है वो खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत हीटिंग का भी प्रॉब्लम
जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। यार कितनी बड़ी गाड़ी देख लो यार, मर्सिडीज ऑडी भी हम लोग आता है, आप खोल के कहाँ आता है डैम्पिंग? ये डैम्पिंग का सीट नहीं होता, जैसे हम बोल रहे हैं कि डैम्पिंग का सीट होता है, ये वाला सीट नहीं, उसका लोहे का चदरा होता है, बस आप कभी खोल के देखना पूरा प्रॉपर भरा हुआ होता है। आपने देखा खोल के? खोल के देखा कभी? कितने मैं मर्सिडीज का भी देखा, बीएमडब्ल्यू को एमबीएन लाइट लगाया तो देखा, आती है हां आती है। अच्छा जी हां, और इसके बाद इसका कौन सी गाड़ी ले रहे हो या जो खेल रहे हो? एक मिनट, हां नहीं, जो उसने एमबीएन लाइट लगाया था, कौन सी कंपनी की गाड़ी आया था? लेक्सस, वोल्वो? नहीं हैं, वाइटस कोई घनी महंगी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन उसमें भी आया था। अच्छा, उसमें भी है वो चीज? हां है। चलो आप करो, कोई बात नहीं यार, हमें आवाज अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये केस कितनी सीट लगाओगे इसमें? सीट बीट का भी तो सिस्टम रहता है। 10 सीट लगेगा पूरा, 10 सीट एक डब्बा में, 10 सीट आता है, 10 सीट लगेगा, एक अंदर एक बाहर, ऐसा चारों डोर्स में, तो 8 हुई है, तो दो डिक्की, तो डिग्गी में भी होता है 10, पूरी गाड़ी एकदम बंद हो जाएगी। खुद बताना, अभी तक तो आपने किसी गाड़ी में करवाया नहीं, बाद में मुझे बताना कि कैसा है, रिस्पांस क्या है। अब और ये बताओ स्पीकर आप कौन से डाले हैं? मैं आपकी दुकान पे वो देखा है JBL फेबियल फोकल वोकल वो सारे, हाँ। जो सोनी और सोनी ESVS बताओ, हाँ। लगवा लो बॉस आपको वही पसंद आएगा बॉस, हाँ। चलो जब हमें स्टीरियो हमने ओरिजिनल लगवाया है, हाँ। तो उसके साथ वही कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, हाँ, बॉस सही रहेगा बिल्कुल, बिना एम्पलीफायर के, क्योंकि आपको तो एम्पलीफायर लगाना नहीं, हाँ, एम्पलीफायर नहीं लगाना, तो आपके लिए बॉस, बॉस बढ़िया रहेगा। और दो ट्विटर लगा देना, हाँ। बॉस के ओरिजिनल ट्विटर मिल जाएंगे, हाँ, मिल जाएगा। तो बॉस ही फाइनल करते हैं, हाँ। भाई बॉस 6 इंची में, 6 इंची में, इसमें भी चॉइस आती है ना, 5 इंच आती है, पीछे जैसे होता है ना, तो इसमें कम होता है, तो 5 इंची का चॉइस होता है, आगे 6 इंची का होता है, ठीक है, लेकिन दोनों चारों 6 इंची लगाएंगे। चलो ठीक है भाई, लगवाओ, काम स्टार्ट करो भाई, डैम्पिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये डैम्पिंग शीट ये चिपकती है ऐसे, अंदर बाहर की भी डिफरेंस होती है, लगाओ दोस्त लगाओ। ये देखिए हमारी पूरी डैम्पिंग कुछ इस तरीके से हो गई है। अब बस एक चीज जो बाकी है यहाँ पे, ये भाई यहाँ स्पीकर लग जाएंगे बॉस के, किसके? बॉस। अब BOSS नहीं होता, वो होता है BOSE, बॉस, जो कंपनी में आता है पीछे से, सोनेट, सेल्टोस, ह्युंडई क्रेटा, वेन्यू, इनमें, वरना जोरों शोरों से यहाँ पे डैम्पिंग का काम चलता हुआ चारों डोर्स में हो चुके, बस एक सिंगल ये बच गया है। उसी बीच निक्कू भाई हमारे ले आए हैं हमारे लिए एक स्पेशल तोहफा। क्या छुपा रहे हो इस डिब्बे में निक्कू भाई? जो आपका फेवरेट चीज है, बॉस का स्पीकर। कैसी डिमांड है इसकी मार्केट में ये बताओ? बहुत अवेलेबल भी नहीं, लास्ट आपके लिए बचा कर रखा, अभी इसके बाद भी 5 दिन तक हमारे पास नहीं है बॉस के स्पीकर। इतनी डिमांड है? इतनी डिमांड है, 5 दिन तक नहीं है, एक सेट सिर्फ आपको बोला था इसलिए रखा हुआ था, मात्र 4 पीस है, 4 दिन बाद अवेलेबल होगा। ऐसी क्या खास बात है भाई इनमें? कंपनी की चीज होती है भाई, कभी कभी नहीं आ पाता है। अरे ऐसे बोलो, आपको पता होगा, मुझे तो पता है क्या है इनमें भाई, क्लियरिटी बेस विदाउट एम्पलीफायर जो इनमें बनता है ना, मजा जो इनमें बनता है बहुत तगड़ा है, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा एम्पलीफायर लगवाने की। सिंपल स्पीकर का, नॉर्मल जो मार्केट का जो कोई भी कंपनी का आप स्पीकर लेते हो उससे बेस्ट है बॉस का, अगर 4 स्पीकर लगा दो बिना एम्पलीफायर का तो अच्छा। और एक और स्पेशल चीज बताऊं, JBL सोनी वोनी तो कहीं भी आपको मिल जाता है, लेकिन बॉस तो रिटेल में बेचता ही नहीं है अपना माल, ये सीधा कंपनी के साथ टाई अप है, और निक्कू भाई के वाला अरेंज करते हैं। पे भी यहाँ पे ह्युंडई और किया का लोगो साथ में मिलता है, अरे मेड इन मेक्सिको है। ये बताइए निक्कू भाई, कितने का पड़ता है फ्री है? पहले तो लास्ट टाइम आपके सेल्टोस पे लगाए थे तो 22,000 का स्पीकर था, अभी 25,000 का हो चुका है, 3,000 बढ़ गया इसका रेट, बन गया, क्योंकि ह्युंडई की जितनी भी गाड़ी आपको इससे पहले वाले वीडियो बताया ना 20% बढ़ा, तो स्पीकर भी दूसरी का पार्ट है ना, तो इस पे भी डिस्काउंट होता है? हाँ होता है ना, कितना? 18% 18% 25,000 रुपए के 2 स्पीकर हैं, 28,000 का 4 स्पीकर है MRP, 28,000 की 4 है, इसको डिस्काउंट करके हम 25 का लगाते हैं, 25 के चारों लग जाएंगे, चारों लग जाएगा। अब देखो भाई ये थोड़ा सस्ता तो है, वो 15,000 के एक पेयर पड़ता है, जो JBL मैंने स्टार्टिंग में दिखाए बॉस के ही है, तो अवेलेबल करवा दो यार, भाइयों की जो डिमांड रहती है, जब तक आप वीडियो डालोगे उससे पहले आ जाएगा, मतलब जब आपके कॉल करके पूछ सकते हैं, पहले की पूछ सकते हैं दो, और वो भी बता, वो भी आप कंफर्म कर लिया करो भाई कि 5 वाला है या फिर 6 वाला है। हमारे यहाँ 6 वाला 5 वाले का डिमांड नहीं है, 5 वाला रखते भी नहीं, 6 वाला 6 वाले के बाद बेहतरीन, बेहतरीन 5 वाला तो पेपर कोन के तरल बचता है, जो हल्का स्पीकर होता है ना वो दूसरा होता है, जो 5 इंची वाला जो होता है बॉस का है, तो उसके मुकाबले वो 5 इंची का होता है। मैग्नेट देखो कितनी अच्छी, जस्ट प्लग एंड प्ले है, तो इसमें पीछे कपलर तो आता होगा ना सोनेट में? कपलर आता है, ये डायरेक्ट लग जाता होगा इसमें, कपलर लग भी गया, एरा कपलर आता है इसका, जैसे सेल्टोस में आता है, ये डायरेक्ट लग जाएगा इसमें, डायरेक्ट लग लगाना भाई एक बार, तो इसमें वो हार्नेस वार्नेस की जरूरत भी नहीं, जैसे है। आपके गाड़ी में याद है ना जो हम छीले थे, हाँ, इस तरीके से किया में करना पड़ेगा, अच्छा छीलना पड़ेगा, हाँ, छीलना पड़ेगा, बस इतना पार्ट छीलना पड़ता है, ये जो आती है ना 2 लाइनें, अच्छा ये जो 2 लाइनें ये छीलनी पड़ती है, ये वाली ये छील दी आपने, बस उसके बाद प्लग कर दिया, लग गया बस। तो भाई डैम्पिंग भी हो चुकी हमारी, यहाँ पे स्पीकर भी लग चुके हैं, और जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाई लोकल है, लोकल है, बारकोड यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे इनके पास आती रहती है क्वेरीज,
तो यहाँ पे आप देखो इसमें ये एम्बोस्ड भी होता है बोस का अंदर, ये चीज नहीं लग सकती ना जो बोस का यहाँ पे लग रखा है, अपने पास ओरिजिनल रहता है 100%। अब बारी है भाई स्पीकर सुनाने की डैम्पिंग के साथ। हमारे जो ये बोस के स्पीकर यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं उनका मैं आपको मजा दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं आवाज करूंगा, चलो गांव के नगरन पे पहुंचे चक चक तेरी शर्ट के कसम काज दे दे भाई। मजा तो है लेकिन मैं आपको भाई एक चीज रिकमेंड करूंगा, आज जब भी आप बोस के स्पीकर लगवा रहे हो ना तो इनमें ट्विटर्स मस्ट हैं, क्योंकि ये बेस तो बहुत अच्छा निकालते हैं क्लियरिटी भी, पर जो आपको कमी महसूस होती है ना वो महसूस होती है भाई अपने ट्रेबल की, थोड़ी थोड़ी सी जो झंकार सी होती है ना अपनी। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फुल भी कर रखी है ना, ये मुझे ट्रेबल का ज़्यादा ऐसा मज़ा नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्टिल देख लो फुल करने के बाद मुझे लगवाने पड़ते हैं क्योंकि भाई वो जरूरी है। तो कहाँ पे कैसे क्या जुगाड़ बैठ जाएगा उनका ट्विटर, एक कट जैसे तीन लॉक होता है ना, हाँ एक लॉक कट जाएगा यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आ जाएगा। जैसे बहुत लोगों का शौक होता है चारों डलवाने का तो वो चारों डल जाते हैं है ना, लेकिन मुझे दो ही सफिशियंट लगते हैं, दो ही लगाओ मेरे में तो, और वो प्रॉपर यहाँ पे पोजिशनिंग उनकी आ जाएगी तो कटिंग होगी ना इसमें। तो कोई नहीं जी, मैंने सेल्डर में करवा रखा है भाई। और ये देखो यहाँ से वायरिंग ये उसी की बनाई है ना, छोटे तूने वायरिंग, ये वही ट्विटर की वायरिंग, यहीं से कपलर से लेके और यहीं पे लग जाता है वो। देखो वैसे बॉस के स्पीकर बहुत लगवाते हैं, इनको लाउडनेस चाहिए ना, धम धम मारना चाहिए तो उतना भी नहीं, उसके लिए बूफर होता है ना, बोलेंगे मजा नहीं आ रहा। लेकिन बॉस के स्पीकर मैंने क्या बोला, बिना एम्पलीफायर के आप चार स्पीकर लगा लेते हो, दो ट्विटर लगा लेते हो, एम्प जिसको लीड नहीं है एम्प लगाने का, इससे बढ़िया स्पीकर कोई नहीं है, बेस्ट है ना ये। हाँ, बेस्ट है। तो ऐसे बोलते हैं मजा नहीं आया। हाँ, हमने तो वीडियो में देखा था। हाँ, तारीफ कर रहा था लेकिन मजा नहीं आया। हाँ, भाई पता है इसमें भी अपनी अपनी प्रेफरेंस सबकी है, मुझे वो धम धम सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक के लिए इनसे बढ़िया कुछ नहीं है कि अपना मॉडरेट बेस हो, मॉडरेट क्लियरिटी और मॉडरेट ट्रबल हो। क्यों भाई ऐसे भी मैंने आपको आज नहीं फर्स्ट बार बॉस का, मैंने बहुत सारे ब्रांड का जो हैवी से सीरीज बेस सारा आपको सुना रखा हूँ, एल्पाइन सोनी सब सुन रखे हमने, फोकल मोकल सारे सुन रखे फॉर्चुनर वॉर्चुनर में। पर मैं पर्सनल बताऊंगा भाई, देखो ना तो बॉस वाले इनको पैसे दे रहे ना हमको दे रहे, मुझे ये बेस्ट लगते हैं तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को सोनी किसी को JBL। जो ट्विटर लग रहे हैं हमारे कार्बन के दो, हाँ इसमें क्या रहेगा इसका, ये कितने के लगते हैं, 3500 रुपए का, 3500 के दो लगते हैं, इतने महंगे आते हैं ये लोकल मार्केट में ना हमारी में, 2500 में JBL के स्पीकर मिल जाते हैं वो छोटे छोटे। मैं देखा हूँ जो 2500 में जो मिलता है 1800 का स्पीकर, तो हमारी दुकान पे आपको एक डब्बा भी नहीं मिलेगा देखने को। क्यों रखते नहीं अपने यहाँ तो इतना बेसिक रेंज कोई लेता भी नहीं है वो लोकल में, वो देखी था हमने अल्टो वाले वीडियो, देखा था अल्टो वाले वीडियो में आप लगवा रहे थे, तो 1800 का होता है, 1800 का ठग लिया हमको 700 रुपए से। डैम्पिंग का बताओ, डैम्पिंग कितने की, डैम्पिंग में क्वालिटी होता है जैसे आपकी गाड़ी में जो ऑटो फन की क्वालिटी वो 10,000 रुपए का है पूरी गाड़ी का, और बाकी क्वालिटी सस्ता चाहिए तो मार्केट वाला क्वालिटी चाहिए तो 4,000 से स्टार्टिंग, अपने यहाँ होता नहीं है, अपने यहाँ 8,000 से स्टार्टिंग रेंज होता है अच्छी डैम्पिंग अच्छी क्वालिटी का, और उससे ऊपर 13-14,000 तक चला जाता है। अगर आपको जैसे डैम्पिंग होता है ना जो मिल ना करे बह ना जाए, तो लोकल में होता है बह जाता है कुछ दिनों बाद जैसे धूप पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल है इसमें नहीं कुछ होगा, ये बढ़िया है। तो भाई OEM डलने के बाद सारे भाई स्पीकर्स का ही वेट कर रहे थे, तो वो स्पीकर्स भी डल चुके हैं, दिखेंगे नहीं आपको वैसे, आपने पहले तो देख ही चुके हो बंद होने के बाद। ट्विटर्स की फिनिशिंग आप दिन में अब देखिए यहाँ पे। चलो अब बारी है भाई आपको स्पीकर क्वालिटी सुनने की, चलाओ भाई गाना बाज जान दो DJ वाले। ये देखो भाई दूर दूर तक क्या तेज आवाज जाती है ना, अब यार आवाज का समझ में ऐसे नहीं आ सकता, आवाज ऐसे समझ नहीं आता, वो आपको गाड़ी में लाइव हमारे साथ बैठना पड़ेगा तब अच्छे से समझ आता है कि कैसे साउंड स्पीकर इसके अंदर डले हैं भाई, मतलब इतना मजा बैठ जाता है ना यार, अब मानो मत मानो ये बोस के स्पीकर्स मुझे तो वैसे ही बहुत बेस्ट लगते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। बाकी अगर आपको पंजाबी गाना सुनना हो ना तो मैं आए दिन डालता रहता हूँ भाई साहब, उसमें इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @arunpawar, वहाँ से आप जज कर सकते हो लीड लगा के, पर ये ट्विटर जरूर लगवा लेना अपनी गाड़ी में अगर आप बॉस के स्पीकर्स लगवा रहे हो तो। 25,000 रुपए का खर्चा है स्पीकर्स का मात्र, और जो आवाज बन जाएगी ना आप भी ऐसे भाई क्या करोगे कि अरुण भाई चीज तो बढ़िया दिलवा दी आपने, पीछे ट्विटर नहीं लगवाए मैंने क्योंकि मुझे ज्यादा छनछन पसंद नहीं, तेरा कंगड़ा भी प्यारा तेरा संगड़ा भी प्यारा मेरे रंग में यो तेरा रंगड़ा भी प्यारा तेरी सूरत भी प्यारी तेरी सीर। और इसमें देखो भाई मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ एयर केमिस का, कैसा चाहिए आपको, नेचुरल लाउंज। अब एक चीज में गौर करना जब मैं गाना पॉज करूंगा इसमें,
ये तो पीछे जो एक इफेक्ट आता है ना, आए हाय हाय, ये सिर्फ आपको इसमें मिलता है स्टीरियो में। तो ये थे भाई स्पीकर्स, मैं तो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ ना, बस पूछो मत। इसमें यहाँ पे ट्विटर नहीं डल पाएंगे क्योंकि ये बंद है, कभी कोई सोच रहा है तो आपको यहीं पे डलवाना पड़ेगा एपलर पे। दुनिया भर के ये भी डिजाइन आते हैं, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ट्विटर्स कैसे चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लाइक करें, बाय।